उत्तर भारत में कोहरे का घर, धुंध की वजह से नोएडा ग्रेटर नोएडा में दनकौर इलाके में बड़ा हादसा हुआ। यात्रियों से भरी हुई बस के कंटेनर से टक्कर हुई हादसे में एक यात्री की मौत। हादसे में 10 लोग घायल भी हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने जानकारी दी है बस में उस वक्त सवार थे 60 लोग। यूपी के मैनपुरी में घने कोहरे की वजह से बड़ा हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 2 लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर में प्रचंड ठंड का कहर, कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए जारी किया है ऑरेंज अलर्ट, सुबह सुबह बाहर निकलने वालों के लिए चेतावनी। सुबह सुबह पालम में थी विजिबिलिटी बेहद कम, 25 मीटर से आगे देखना मुश्किल था। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक, दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में अगले 5 दिनों के लिए और बिगड़ेंगे हालात। हिमाचल, पंजाब के लिए कोहरे का रेड अलर्ट, मौसम विभाग ने चेतावनी दी। चंडीगढ़ में घने कोहरे की वजह से बड़ी परेशानी, 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट। पुलिस के मुताबिक धुंध की वजह से हरियाणा, पंजाब में एक दिन के अंदर 12 लोगों की मौत, 38 घायल भी। कानपुर में जबरदस्त ठंड का प्रकोप, लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल। कोहरे की चादर में लिपटा पंजाब का फरीदकोट, शीतलहर से लोग परेशान। कश्मीर में शीतलहर का अटैक, जमने लगी है डल झील, तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे। ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण ने बढ़ाया टेंशन, बहुत खराब श्रेणी में जो है पॉल्यूशन। लुधियाना में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी, लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। यूपी के मुरादाबाद में घना कोहरा और ठंड का प्रकोप जारी, विजिबिलिटी कम। चमोली में जबरदस्त सर्दी का सितम, ऊंचाई वाली जगहों पर तापमान -10 से 15 डिग्री तक। नोएडा में चारों तरफ घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियां चलाना मुश्किल। अलीगढ़ में घने कोहरे की वजह से बड़ा हादसा, एक के बाद एक वाहन आपस में टकराए, 2 लोगों की मौत, कई घायल। मेरठ में बदला मौसम का मिजाज, छाया घना कोहरा, शीतलहर का सितम जारी। भटिंडा में कोहरे की चादर से ढका हुआ पूरा शहर दिखाई दे रहा है, तापमान में गिरावट के साथ विजिबिलिटी कम। प्रयागराज में शीतलहर का प्रकोप जारी, कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। रोहतक में छाई घने कोहरे की चादर, गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है धुंध। फिरोजाबाद में घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा, एक दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में टकराए, 6 से ज्यादा लोग घायल। हरियाणा के नूंह में स्कूली बस और कंटेनर की टक्कर, ड्राइवर समेत कई बच्चे घायल। ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, घने कोहरे की वजह से 6 गाड़ियां आपस में टकराई। मोतिहारी में बच्चे को लगी गोली, 2 गुटों में जमीन विवाद के दौरान हो रही थी झड़प, बच्चे को लगी गोली। सीतापुर में सामूहिक धर्मांतरण करने का मामला आया सामने, 4 युवकों समेत दंपति ने लोगों को ईसाई धर्म के फायदे गिनाए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़, 3 आतंकियों की मौत। तीनों ही आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए और तीनों ही आतंकी स्थानीय थे। मारे गए आतंकियों में से 2 की पहचान हुई है, शोपियां का एक रहने वाला है, लतीफ लोन इसका नाम। मारे गए दूसरे आतंकी का नाम उमर नजीती था, अनंतनाग का रहने वाला है। नेपाल के नागरिक तिल बहादुर थापा की हत्या में शामिल था उमर, सुरक्षा बलों ने AK-47 भी बरामद की। अमरावती के उमेश कोले हत्याकांड में बड़ा खुलासा, साजिश के पीछे तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों का नाम। एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, 11 आरोपियों के नाम है। चार्जशीट के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद हत्या का बदला लेना चाह रहे थे। उमेश कोले ने किया था नूपुर शर्मा का ट्वीट शेयर और इसी के बाद रची गई थी उमेश की हत्या की साजिश। धनबाद में अनुकंपा की नौकरी के लिए पत्नी ने कराई पति की हत्या, परिचित के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों और पुलिस के बीच में जबरदस्त झड़प, छात्र संघ बहाली को लेकर छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। आगरा में ताजमहल की टिकट विंडो पर नगर निगम ने लगाया 1.5 लाख रुपए का बकाया टैक्स का नोटिस, एएसआई ने जवाब में कहा कि मॉन्यूमेंट पर लागू नहीं होता टैक्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया, फिटनेस को बढ़ावा देने की अपील की। झालावाड़ में कई मांगों को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली, मिनी सचिवालय पहुंचे, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए शामिल, सामाजिक विकास पर चर्चा की। बिहार के छपरा में जहरीली शराब को लेकर कार्रवाई तेज, पुलिस की जिप्सी से कुचली गई शराब की बोतलें। थाने से स्प्रिट का ड्रम कथित रूप से गायब के बाद प्रशासन अलर्ट पर है, थानों में रखी गई शराब को नष्ट किया जा रहा है। योगी सरकार का अमेरिका की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एक करार, यूपी में नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने में मदद करेगी। पंजाब के सभी प्रमुख देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने हो शुरू, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की केंद्र से मांग। पंजाब के अंबाला में पटवारियों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन, मांगे नहीं पूरी होने पर 26 से 28 दिसंबर तक पूर्ण बहिष्कार का ऐलान। इंदौर में फिर एक हिंदू महिला के साथ लव जिहाद का मामला आया सामने, मुस्लिम युवक ने जबरन शारीरिक संबंध बनाया। जम्मू में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का प्रदर्शन, आतंकी धमकी को लेकर विरोध जताया। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में बीजेपी के नेता की बेरहमी से पिटाई, बड़े पैमाने पर गांजे की बिक्री को उजागर करने पर बदमाशों ने पीटा। जंतर मंतर पर देश भर से आए होम गार्डों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, समान काम समान वेतन की मांग। रांची में 25,000 से ज्यादा ग्रामीण सड़क पर मांग को लेकर जल सत्याग्रह पर बैठे, 28 दिनों से अपनी मांगों को लेकर दे रहे हैं धरना। देवबंदियों ने मुफ्ती असद कासमी ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पहनावे पर जताई नाराजगी, कहा इस तरह के पहनावे से समाज और बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। संभल में हिंदू जागरण मंच ने किया फिल्म पठान का विरोध, कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, फिल्म पठान को लेकर बैन की मांग रखी। पंजाब के फिरोजपुर में शराब की फैक्ट्री के बाहर किसानों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प हुई। रामगढ़ में नियोजन नीति मांग को लेकर छात्राओं ने निकाली रैली, सीएम हेमंत सोरेन के बैनर पोस्टर को फाड़ा, जमकर नारेबाजी की। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का भव्य आयोजन, तैयारियां भी तेज, सरयू किनारे बने घाटों पर अद्भुत छटा दिखेगी। भरतपुर सर्किट हाउस में राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बैठक, बंद कमरे में तीनों नेताओं की करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। ओवैसी ने तवांग झड़प पर केंद्र सरकार से पूछा सवाल, कहा संसद में चीन पर बात करने से क्यों भाग रही है मोदी सरकार। अलवर में राहुल गांधी ने राजस्थान में लागू चिरंजीवी योजना की तारीफ की, बोले चिरंजीवी योजना ने लाखों लोगों का दर्द मिटाया है और इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। बीजेपी पर खड़गे का सबसे बड़ा हमला, कहा हमारे लोगों ने देश के लिए जान दी लेकिन इनके घर का कुत्ता भी मरा क्या, इनकी बातें शेर जैसी चाल चूहे जैसी। राजस्थान में गुटबाजी पर खड़गे ने नसीहत दी, बोले एक होकर काम करें गहलोत और पायलट। श्योपुर में क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, 1.5 साल पहले भीषण बाढ़ में नुकसान पहुंचा था। गोरखपुर में काकोरी बलिदान दिवस के मौके पर ड्रोन शो का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, एक साथ 23 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। हैदराबाद में डीजीपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस यूथ विंग का प्रदर्शन, कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, गूगल फॉर इंडिया के 8वें एडिशन में शामिल होने के लिए सुंदर पिचाई आए हैं भारत। राजस्थान के बूंदी में युवक ने युवती की हत्या की, प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने पर वारदात को अंजाम दे दिया। यूपी के संभल में 3 भाइयों ने मिलकर एक युवक को पीट पीट कर मार डाला, पैसे की वजह से हुआ था विवाह। फिरोजाबाद में युवा वकील की गोली मारकर हत्या, एसएसपी ने मर्डर की जांच के लिए 5 टीमें गठित की। पंजाब के फरीदकोट में कर्ज के पैसे वापस मांगने पर फाइनेंसियर की हत्या, शव को नहर में फेंका गया, 2 गिरफ्तार। अजमेर में मकान के चरचर दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत, 4 घायल, पुलिस मजदूरों की पहचान में जुटी। महाराष्ट्र के ठाणे में भीषण सड़क हादसा, प्राइवेट बस के कंटेनर से टक्कर, 1 की मौत 10 घायल। बिजनौर में किसान की गोली मारकर हत्या की गई, पुरानी रंजिश में आरोपियों ने घटना को दिया अंजाम। औरैया में घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत 2 घायल। मध्य प्रदेश के दमोह में असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को तोड़ा, मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार। फरुखाबाद में प्रताड़ित पूर्व सैनिक ने पत्नी और समधन को मारी गोली, बहु घायल। तमिलनाडु के करूर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, 3 महिला समेत 8 लोग गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। गुजरात के सूरत में तेज रफ्तार वाहन चाय के ढाबे में घुसे, कई लोग घायल, मामला सीसीटीवी में है। शिवपुरी में नसबंदी के बाद से दर्द से तड़प तड़प कर आदिवासी महिला की मौत, अस्पताल स्टाफ ने पुकार तक नहीं की। अलवर के दबंगों ने दलित परिवार को पीटा, महिलाओं समेत 6 लोग घायल हैं, दलितों पर मंदिर में आगजनी करने का आरोप लगाया। प्रयागराज में बाइक से टकराई तेज रफ्तार कार, 2 चचेरे भाइयों की मौत, 1 घायल। मैनपुर में बदमाशों ने जेवरात कारोबारी से लूट करके नहर में फेंका, मौके पर पहुंची पुलिस ने कारोबारी को रेस्क्यू किया।
जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में लोगों का अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन, पीड़ितों के लिए मुआवजा और नौकरी की कर रहे हैं मांग। मेरठ में कपड़े के शोरूम में बदमाशों ने खुली आम फायरिंग की, मौके पर पहुंचे पुलिस जांच में जुटी। अजम के नौगांव में 980 बीघा सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, बड़े पैमाने पर निष्कासन अभियान शुरू, 800 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी। आगरा में हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट और अप्रेंटिस की परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार, 2 लाख में सौदा हुआ था। पटना में शराब माफिया के ठिकानों को नष्ट किया गया, पुलिस ने बड़े पैमाने पर कच्ची शराब को जब्त किया, 5 शराब कारोबारी गिरफ्तार। कौशाम्बी में युवती ने मंचलों को सरेआम जो है छेड़छाड़ की, घटना का वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में ड्रोन कैमरे से चला सर्च अभियान, नदी पार इलाके में कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। बुलंदशहर में देर रात अलग अलग इलाकों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली। असम के बोंगाई गांव में भयंकर सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत, 1 घायल। विशाखापट्टनम में कराया गया मैराथन का आयोजन, बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। जैसलमेर में उच्च शिक्षा लेने वाले बालिकाओं के लिए करियर काउंसलिंग का आयोजन, घरेलू महिलाओं के लिए रोजगार देने का कार्यक्रम शुरू। मुंबई के ठाणे में यात्री ने टीसी पर धारदार ब्लेड से किया हमला, बाल बाल बचा टीसी। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में इंडिया डिजाइनर शो का आयोजन, अभिनेत्री नरगिस फाखरी शामिल हुए। बठिंडा में शख्स के पास से मिला प्राचीन सिक्कों का भंडार, महाराजा रंजीत, औरंगजेब समेत मध्यकाल के कई राजाओं के सिक्के मौजूद हैं।